मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आपका स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर के डे 9th तक आप सेफ सेक्स रहता है, तो उस समय आप कर सकते हो। बट डे 10th टू डे 17th वो ओवल्यूशन टाइम होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। उसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे नेचुरल मेथड होता है कि उस टाइम पर कॉपुलेशन अवॉइड किया जाए, विड्रॉल मेथड या फिर क्वर्टस इंटरप्टस जिसको कहा जाता है। वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस टू इंजेक्ट द वजाइना बिफोर इजेकुलेशन, सो एज टू एवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब कि ये जो मेल पार्टनर है वो फीमेल पार्टनर के वजाइना में अपना पेनिस ना इजेकुलेट करे, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। फिर है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आता है, इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड बाय फ्रॉम फिजिकली मीटिंग बाय द हेल्प ऑफ बैरियर। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स जो होता है, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, वो एक बैरियर मेथड होता है। कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड फॉर द रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल जस्ट बिफोर क्वेटस। मतलब बिफोर क्वेटस मेल पार्टनर जो है, अगर वो अपने पेनिस में और फीमेल पार्टनर अपने वजाइना में अगर ये कॉन्डम इजिकुलेट कर ले, तो ये ओवल्यूशन का चांसेस बहुत घट जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें स्पर्म्स और ओवा मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं होगा। निरोध, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, फर्स्ट डेवलप हुआ था मेल के लिए, उसका नाम निरोध था। फर्स्ट जो कॉन्डम जो डेवलप हुआ था वो था निरोध। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स कुछ इस तरीके से दिखता है। आगे है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडी। आईयूडी जो होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है सीयूटी, CU7 मल्टीलोड 375, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। फिर आता है ओरल पिल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोस्टोरेजिन और प्रोस्टोरेजिन एस्ट्रोजेन, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। वो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अकर, उसको लिया जाता है। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल का होता है, जो कि हफ्ते में एक बार लिया जाता है और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही कम होता है। अब हमें पढ़ना है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता है सर्जिकल मेथड जिसके थ्रू स्पर्म्स और ओवा का मीटिंग को बंद कराया जाता है। इन मेल्स स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड एज वासेटोनॉमी एंड इन फीमेल्स ट्यूबरोनॉमी। अब है एमटीपी। एमटीपी किया जाता है ड्यू टू अगर कैजुअल रिलेशनशिप रेप के कारण अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका अबॉर्ट किया जाता है बेबी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स, कोइटस और कॉपुलेशन। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। अगली बार हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। GRS टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए।